भोपाल की जेल से भागे सिमी के आतंकवादियों से मुठभेड़ का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मोबाइल से ली गई तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाते हैं, जो कि जस की तस दिख रही है। इस वीडियो को देखकर एनकाउंटर से जुड़ी तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही है। कुछ लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग की है, वहीं कुछ नेताओं ने इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दी है। वहीं कांग्रेस में एनकाउंटर को लेकर दो अलग अलग राय हैं। कमलनाथ ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी पुलिस की पीठ ठोकी है। अचानक ये चले गए ऐसी जेल से जो एक हाई सिक्योरिटी जेल है, और कुछ घंटों में उनको केवल पकड़ा नहीं, उन्हें मार दिया, उन्हें मारा। अब उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, कोई सबूत नहीं मिल सकता, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि क्या बात थी। तो इस पर पूरी जांच, एक फेयर जांच होनी चाहिए कि किस हालात में वो गए भागे और किस हालातों में उन्हें मार गिराया। आज के दिवस पर मैं मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से बहादुरी से उन्होंने उनका सामना किया और आतंकवादियों का खात्मा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश की पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैदी से उन्होंने जल्द से जल्द होकर उन्होंने कार्य किया है। लेकिन जिस तरीके से वहां से वे फरार हुए हैं, उसकी तहकीकात और इंक्वायरी होनी चाहिए।